श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री नारद महापुराण। सिद्धाश्रम में शौनकादि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति के महात्म्य का वर्णन। ओम वेद व्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके भगवदीय उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाले इतिहास पुराण का पाठ करें। वंदे वृंदावनासीन मिंदिरानंद मंदिरम उपेन्द्रम सांद्रकारुण्यम परानंदम परात्मरम। जो लक्ष्मी के आनंद निकेतन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप है, उस स्नेह युक्त करुणा की निधि परात्पर परमानंद स्वरूप पुरुषोत्तम वृंदावन वासी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाख्यम यस्याशाम लोक साधकाः तमादिदेवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप हैं तथा लोकपाल जिसके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिदेव परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ। नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, उनका भोजन नियमित था, वे सच्चे संत थे और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु का वे बड़ी भक्ति से यजन पूजन करते रहते थे। उनमें ईर्ष्या का नाम नहीं था, वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सके थे। उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओं का त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गए थे। उनमें शम दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था। काले मृग चर्म की चादर ओढ़े, सिर पर जटा बढ़ाए तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे महर्षिगण सदा परब्रह्म परमात्मा का जप एवं कीर्तन करते थे। सूर्य के समान प्रतापी, धर्मशास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नैमिषारण्य में तप करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का यजन करते थे। कुछ लोग ज्ञान योग के साधनों द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते थे और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ी भारी सभा की। उसमें 26,000 ऊर्ध्व रहता नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मुनि सम्मिलित हुए थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बताई नहीं जा सकती। पवित्र अंतकरण वाले वे महातेजस्वी महर्षि लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही एकत्र हुए थे। उनमें राग और मात्सर्य का सर्वथा अभाव था। वे शौनक जी से ये पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं? त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्यों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है? उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्यत देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनय से झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। शौनक जी ने कहा, महर्षियों, पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूची रहते हैं। वे वहां अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विश्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं, वे सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े शांत स्वभाव के हैं और पुराण संहिता का वक्ता है। भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का रास देखकर वेद व्यास रूप से प्रकट होते और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं। विप्रगण, हमने सब शास्त्रों में ये सुना है कि वेद व्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही है। उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर सूत जी सब धर्मों के ज्ञाता हो गए हैं।
संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणों का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि इस लोक में सुज्जी ही पुराणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। उनका स्वभाव शांत है, वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो है ही, कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं। मुनीश्वरों, वेद वेदांग और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है, वह सब मुनिवर व्यास ने जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है, और ज्ञान सागर सूत जी उन सब का यथार्थ तत्व जानने में कुशल हैं। इसलिए हम लोग उन्हीं से सब बातें पूछें। इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदन किया, तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तदनंतर सब मुनि वन के भीतर पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में गए और वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का यजन कर रहे हैं। सूत जी ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, हम आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान दान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। मुने, देवता लोग चंद्रमा की किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं। तात, हम ये जानना चाहते हैं कि यह संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ, इसका आधार और स्वरूप क्या है, ये किसमें स्थित है और किसमें इसका लय होगा। भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं, मनुष्य द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है, अतिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं, वो मोक्ष का उपाय मनुष्य को कैसे सुलभ है, पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है और भक्ति का स्वरूप क्या है। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझा कर बताएं कि फिर इनके विषय में कोई संदेह न रह जाए। आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं होगी। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग सुने, आप लोगों को जो अभीष्ट है वो मैं बतलाता हूं। सनकादि मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था, वो नारद पुराण आप सुने, ये वेदार्थ से परिपूर्ण है, इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है, ये समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, दुस्वप्नों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है, इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है। ये नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का भी कारण है, इसके द्वारा महान फलों की भी प्राप्ति होती है, ये अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्र चित्त होकर इस महापुराण को सुने। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का और दो अध्यायों के पाठ से राजस्वीय यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वो इस पुराण के 3 अध्यायों का पाठ करके प्राप्त कर लेता है। इसके 10 अध्यायों का भक्तिभाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, पवित्र ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोत्तम है, ये बुरे स्वप्नों का नाशक और परम पवित्र है। ब्रह्मशिव, इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो ये महापातकों के समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के समक्ष ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि ये गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्राह्मण आदि द्विजातियों के निकट इस पुराण की कथा बांचनी चाहिए। जिन्होंने
काम क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है, जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार परायण है उन्हीं को ये मोक्ष साधक पुराण सुनाना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं, वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर उनका स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राह्मणों, भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दावा नल रूप हैं। महर्षियों, भगवान श्रीहरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी ये पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ब्राह्मणों, जिसकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है वही कृतकृत्य है, वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। द्विजवरो, जो नराधम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरो, मोहग्रस्त मानव दूसरे दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यह अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो उसको भक्तिभाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्त वृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है उसके पूर्व जन्मोपार्जित समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग देव पूजा पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है वो इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। अतः विप्रवरो, आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वो जन्म मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है। आदि देव भगवान नारायण श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता तथा पुराण पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर रखा है। वे भक्त जनों के मनोवांछित पदार्थ को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, जो ब्रह्मा शिव तथा विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि संहार और पालन करते हैं उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, सर्वश्रेष्ठ तत्वों से भी परम उत्कृष्ट है, परात्पर पुरुष हैं, उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर मोक्ष स्वरूप उपासना के योग्य अजन्मा परम रहस्य रूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु हैं उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा श्रद्धालु मुमक्षु यति तथा वीतराग पुरुष ही ये पुराण सुनने के अधिकारी हैं, उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए। पवित्र देश में देव मंदिर के सभा मंडप में पुण्य क्षेत्र में पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य पुराण कथा के बीच में दूसरे से बातचीत करता है वो भयंकर नरक में पड़ जाता है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वो सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एक चित्त होकर भगवत कथा अमृत का पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो उसे कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता। संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है। अतः दुख की साधनभूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्र चित हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए।
जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो वे पातकी मनुष्य पर भी निस्संदेह प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथ में। विप्रवरो, भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। नारद जी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया तथा उन दोनों का समागम किस तरह हुआ? वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान की महिमा का गान करते थे, ये हमें बताइए। सुत जी बोले, महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनमें न ममता है और न अहंकार, वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन्हीं नामों से उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा निरंतर परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनका प्रभाव सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे सत्यव्रती तथा मुमुक्षु हैं। एक दिन की बात है, वे मेरुगिरी के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी का दर्शन हुआ। ये उन्हें अभिष्ट था। गंगा जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा के जल में स्नान करने को उद्यत हुए। द्विजवरो, इसी समय देवर्षि नारद मुनि भी वहां आ पहुंचे और अपने बड़े भाइयों को वहां स्नान के लिए उद्यत दे उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किए। उस समय वे प्रेम भक्ति के साथ भगवान मधुसूदन के नामों का कीर्तन करने लगे। नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष कृष्ण विष्णु, आपको नमस्कार है। कमल नयन कमलाकांत गंगा जनक केशव क्षीर समुद्र में शयन करने वाले देवेश्वर दामोदर, आपको नमस्कार है। श्री राम विष्णु नृसिंह वामन प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव अज्य अनिरुद्ध निर्मल प्रकाश स्वरूप मुरारे, आप सब प्रकार के भय से निरंतर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उच्च स्वर से हरिनाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठे और उन्हीं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां स्नान भी किया। संपूर्ण लोगों का पाप दूर करने वाली गंगा की धारा सीता के जल में स्नान करके उन निष्पाप मुनियों ने देवताओं ऋषियों तथा पितरों को तर्पण किया। फिर जल से बाहर आकर संध्योपासन आदि अपने नित्य नियम का पालन किया। तत्पश्चात वे भगवान नारायण के गुणों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार की कथावार्ता करने लगे। उस मनोरम गंगा तट पर सनकादि मुनियों ने जब अपना नित्य कर्म समाप्त कर लिया तब देवर्षि नारद ने अनेक प्रकार की कथावार्ता के बीच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुनिवरो, आप लोग सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान के भजन में तत्पर रहते हैं। आप सबके सब सनातन भगवान जगदीश्वर हैं और जगत के उद्धार में तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों के प्रति मैत्रीभाव रखने वाले आप महानुभाव से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बताएं। विद्वानों, मुझे भगवान का लक्षण बताइए। ये संपूर्ण स्थावर जंगम जिनसे उत्पन्न हुआ है, भगवती गंगा जिनके चरणों का धोवन है, वे भगवान श्रीहरि कैसे जाने जाते हैं? मनुष्य के मन वाणी शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देने वाले महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बतलाइए, साथ ही अतिथि पूजा का भी महत्व समझाइए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नाथ, इस प्रकार के और भी जो गुह्य सत्कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, उन सब का मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तदनंतर नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं उनको नमस्कार है। जो माया से रहित है, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर योग स्वरूप तथा योग गम्य है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान गम्य तथा संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र हेतु है,
ज्ञानेश्वर, ज्ञेय, ज्ञाता तथा विज्ञान संपत्ति रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है। जो ध्यान स्वरूप, ध्यान गम्य तथा ध्यान करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले है, जो ध्यान के ईश्वर श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता ध्येय स्वरूप है, उन परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर और नागगण, जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा, पुराण पुरुष, सत्य स्वरूप तथा स्तुति के अधीश्वर हैं, उन परमात्मा को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मन, जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एकारणवर के जल में अक्षयवट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरणारविंद का रसपान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज ग्राह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया। जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप है, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धारण में स्वयं ही हेतु है, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो केशी तथा नरकासुर का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने खम्ब में भयंकर नृसिंह रूप से अवितरण हो पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा की, उन अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन नित्य अमेय तत्व तथा कर्म रहित है, उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वायु, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित है, जो एक अद्वितीय परमेश्वर है, उन आदि पुरुष परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। ये भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संहार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ आसक्ति से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंग और परिपूर्ण है, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जो भगवान सबके हृदय में स्थिर होकर भी माया से मोहित चित्त वालों को अनुभव में नहीं आते तथा जो परम शुद्ध स्वरूप है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। क्षीर सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जिन अनंत परमात्मा ने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एकारणों के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया, उन वाराह रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकशिपु दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान नृसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचन कुमार बलि से तीन पग भूमि पाकर जिन्होंने दो ही पगों से ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को माप लिया और उसे पुनः देवताओं के समर्पित कर दिया, उन अपराजित भगवान वामन को मैं नमस्कार करता हूँ। है हयराज सहस्त्र बाहु अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया, उन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को नमस्कार, जिन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों रूपों में प्रकट हो वानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया था, उन भगवान श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन दो स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भुआ, भुवहा, स्वहा तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध रूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ।
कलियुग में अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सत्ययुग के आदि में धर्म की स्थापना की है, उन कल की स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा का पार पाने में संपूर्ण देवता असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं है, उन परमेश्वर की मैं क्षुद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं? महापात्र की मानव जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है? जिनके नाम का जिस किसी प्रकार कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर भी पापी पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रहित आदिदेव श्री हरि का साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शांत स्वरूप हैं, सबके साक्षी ईश्वर सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित तथा भावरूप हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 अंगुल ऊपर स्थित है, उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी अत्यंत महान तथा गुह्य से भी अत्यंत गुह्य है, उन अजन्मा भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो परमेश्वर ध्यान चिंतन पूजन श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी की स्तुति करने पर नारद सहित वे सनंदन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भराए थे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करता है, वो सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सृष्टि क्रम का संक्षिप्त वर्णन, द्वीप समुद्र और भारतवर्ष का वर्णन, भारत में सत्कर्मानुष्ठान की महत्ता तथा भगवत पर्ण पूर्वक कर्म करने की आज्ञा। नारद जी ने पूछा, सनत जी, आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की, ये बात मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री सनक जी ने कहा, देवर्षे, भगवान नारायण अविनाशी अनंत सर्वव्यापी तथा निरंजन है। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन्मय महाविष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी 3 मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान ने अपने दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया, फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने वाले रुद्र नामधारी शिव को उत्पन्न किया। साथ ही जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य रूप विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है, वही जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वही भाव रूप से विद्या और अभाव रूप से अविद्या कहलाती है। जिस समय ये संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। नारद जी, जब तुम्हारी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान महाविष्णु ही है, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अभेद बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंध को देने वाली होती है, और वही यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जंगम जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता, वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट
मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत अविद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। मुने, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंगार में रहने वाली दाह शक्ति अपने आश्रय में व्याप्त होकर स्थित रहती है, कुछ लोग भगवान की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं और कुछ लोग उसे उमा और भारती, सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वो पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली है। वो व्यक्त और अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात पर अविनाशी तत्व है, परम पद भी वही है, वही अक्षर निर्गुण शुद्ध सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा है। वे पर से भी परे हैं। परमानंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित है। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सत, चित और आनंद ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाश में परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है, तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से तीन स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीनों स्वरूप जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण होते हैं। मुने, जिस स्वरूप से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वे ही आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा हैं। समस्त संसार में वे ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर है। उन्हीं की शक्ति महामाया है, जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण होने से विद्वान पुरुष से प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान महाविष्णु के प्रकृति, पुरुष और काल, ये तीन रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्म रूप से जिसका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित है। वे ही सत्व, रज, तम, रूप तीनों गुणों में विराज रहे हैं, तथा गुणों के आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत के आदि स्रष्टा हैं। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति जब क्षोभ चंचलता को प्राप्त हुई, तो उससे महत्तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए, जो इस स्थूल जगत के कारण हैं। नारद जी, उन भूतों के नाम हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः एक एक के कारण होते हैं। तदनंतर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस सर की रचना की। तियर योनि वाले पशु पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उस सर्ग को पुरुषार्थ का साधक न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को सात्विक सर्ग को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की राजस सर्ग की सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया, जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित ये संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूर्लोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये सात लोक क्रमशः एक के ऊपर एक स्थित हैं। विप्रवर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये सात पाताल क्रमशः एक के नीचे एक स्थित हैं। इन सब लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल पर्वत और नदियों की भी सृष्टि की, तथा वहाँ के निवासियों के लिए जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओं की भी यथा योग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है, जहाँ पृथ्वी की अंतिम सीमा है। वहाँ लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वत के बीच में सात समुद्र और सात द्वीप हैं। विप्रवर, प्रत्येक द्वीप में सात सात मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेक विख्यात नदियां भी हैं।
वहाँ के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, कौंच, शाक तथा पुष्कर, ये सात द्वीपों के नाम हैं। वे सब की सब देवभूमियाँ हैं। ये सातों द्वीप सात समुद्र से घिरे हुए हैं। क्षारोत, इक्षुरसोत, सुरोत, घृत, दधि, दुग्ध तथा स्वादु जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रों को क्रमशः पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले जानना चाहिए। वे सब लोकालोक पर्वत तक स्थित हैं। क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए और समस्त कर्मों का फल देने वाला है। नारद जी, भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल भोग भूमियों में क्रमशः भोगा जाता है। विप्रवर, भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षणभंगुर बचा हुआ फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं, हम लोग कब संचित किए हुए महान अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्य के फलस्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहाँ महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहाँ नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ या तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्यानंदमय अनामय पद को कब प्राप्त कर लेंगे। नारद जी, जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवदत्तों को प्रिय होता है, अथवा जो महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है, अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए श्रेष्ठ अन्न का स्वयं सेवन कराता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इंद्रादि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है, वो भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष न देखने वाला, पवित्र तथा कार्य कुशल है, वो भी देवेश्वर द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित साधन करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होता है, उसे पंक्ति पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर, भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वो ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है नारद जी। जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित है, वो भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से परांगमुख है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वो देवता और असुर सबके लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, पुराण की कथा सुनने तथा सत्संग में लगी होती है, वो भी इंद्रादि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धापूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही इन पुण्यात्माओं से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वो पापाचारी एवं मूढ़ी है, उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। मुने, जो मनुष्य वेद और स्मृतियों में बताते धर्मों का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियों का अगुआ है। मुनीश्वर, जो कर्मभूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वो वेदज्ञ महात्माओं द्वारा सबसे अधम कहा गया है। जो शुभ कर्मों का परित्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वो कामधेनु को छोड़कर आग का दूध खोजता फिरता है।
विप्रवर, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों का फल देने वाला है। जो इस पुण्यमय भूखंड में सत्कर्म करने के लिए उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित कर देने पर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो, तो अपने पुण्य कर्म को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दे। ब्रह्म लोक तल के सभी लोग पुण्यक्षय होने पर पुनर्जन्म देने वाले होते हैं, परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्रों द्वारा बताए हुए आश्रमानुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है, वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, उसे विधि पूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है, वह विद्वान पुरुष द्वारा पतित कहा जाता है। नारद जी, सदाचार परायण ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि वह भगवान के चरणों में भक्ति रखता है, तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही है। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत ये संपूर्ण स्थावर जंगम जगत वासुदेव स्वरूप है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं, वे ही देवता सुर तथा यज्ञ रूप हैं, वे ही ये ब्रह्मांड भी है। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं। जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और महान भी कोई नहीं है, उन्हीं भगवान विष्णु ने इस विचित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवाधिदेव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, वर्णाश्रमोचित आचार तथा सत्संग की महिमा। मृकंड मुनि की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान का मुनि को दर्शन तथा वरदान देना। श्री सनक जी कहते हैं, नारद, श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। विप्रवर नारद, श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोगों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है। श्रद्धालु ही धन पाता है। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। मुनिश्रेष्ठ, दान, तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित हैं, तो उनके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वत के बराबर सुवर्ण की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के किया जाए, तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है, वह केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो हविष्य का हवन किया जाता है, और राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है, वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। ब्राह्मण, वेदोक्त अश्वमेध यज्ञ का 1,000 बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए? यदि वह श्रद्धा भक्ति से रहित है, तो सबका सब निष्फल होता है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है।
ब्रह्मपुत्र नारद जी, इस असार संसार में ये तीन बातें ही सार हैं, भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। ब्राह्मण जिनके मन में दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है, उनके किए हुए भजन दान आदि सभी कर्मों को निष्फल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर हैं, जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं, जिनका चित पाखंड पूर्ण आचारों में लगता है, वे व्यर्थ कम करने वाले हैं। भगवान श्रीहरि उनसे बहुत दूर है, जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं किंतु उन धर्मों को झूठा बताते हैं, और धर्म कर्म के विषय में जिनका मन श्रद्धा भक्ति से रहित है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर है। धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है और वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। अतः वेदों में जो अश्रद्धा रखने वाले हैं उनसे भगवान बहुत दूर है, जिसके दिन धर्मानुष्ठान के बिना ही आते और चले जाते हैं। वह लुहार की धौंकने के समान सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। ब्रह्मनंदन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ सनातन है। श्रद्धालु पुरुषों की ही इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धा ही इनको नहीं। जो मानव अपने वर्णाश्रमोचित आचार का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है, वह उस वैकुंठ धाम में जाता है, जिसका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को सुलभ होता है। मुनीश्वर, जो अपने आश्रम के अनुकूल वेदोक्त धर्मों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के भजन ध्यान में लगा रहता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है, उसके द्वारा भगवान श्रीहरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो छह अंगों सहित वेद और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्णाश्रमोचित आचार से गिरा हुआ है, उसी को पति समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। भगवान की भक्ति में तत्पर तथा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचार से भ्रष्ट हो, उसे पतित कहा जाता है। द्विज श्रेष्ठ, वेद, भगवान विष्णु की भक्ति अथवा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूल पुरुष को पवित्र नहीं करती है। ब्राह्मण, पुण्य क्षेत्रों में जाना, पवित्र तीर्थों का सेवन करना अथवा भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान भी आचार भ्रष्ट पुरुष की रक्षा नहीं करता। आचार से स्वर्ग प्राप्त होता है, आचार से सुख मिलता है और आचार से ही मोक्ष सुलभ होता है। आचार से क्या नहीं मिलता? साधु श्रेष्ठ, संपूर्ण आचारों को, समस्त योगों का तथा स्वयं हरि भक्ति का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से ही पूजित होते हैं। अतः भक्ति संपूर्ण लोकों की माता कही जाती है। जैसे सब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। नारद जी, अपने वर्ण और आश्रम के आचार का पालन करने में लगे हुए पुरुषों को यदि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो तीनों लोकों में उनका समान दूसरा कोई नहीं है। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है, उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, उनके संतुष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवदत्तों से संग से प्राप्त होती, किंतु भगवदत्तों का संग मनुष्य को पूर्व जन्मों के संचित पुण्य से ही मिलता है। जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्य के पालन में तत्पर, भगवदत्ति के सच्चे अभिलाषी तथा काम, क्रोध आदि दोषों से मुक्त हैं, वे ही संपूर्ण लोगों को शिक्षा देने वाले संत हैं। ब्राह्मण जो पुण्यात्मा अथवा जितेंद्रिय नहीं है, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें पूर्व जन्मों के संचित पुण्य को ही कारण जानना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपनी किरणों के समूह से दिन में बाहर के अंधकार का नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अज्ञान अंधकार का नाश करते रहते हैं। संसार में भक्ति के लिए लालायित रहने वाले पुरुष दुर्लभ हैं, उनका संग जिसे प्राप्त होता है, उसे सनातन शांति सुलभ होती है। नारद जी ने पूछा, भगवदत्त पुरुषों का क्या लक्षण है, वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हें कैसे लोक की प्राप्ति होती है,
ये सब आप यथार्थ रूप से बताइए सनक जी। आप सुदर्शन चक्रधारी देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के भक्त हैं, अतः आप ही ये सब बातें बताने में समर्थ हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सनक जी ने कहा, ब्रह्मन, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु के बुद्धिमान महात्मा मार्कंडेय जी को जिस परम गोपनीय रहस्य का उपदेश किया था, वही तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, वे जो परम ज्योति स्वरूप देवाधिदेव सनातन भगवान विष्णु हैं, वे ही जगत रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत के सृष्टा भी वे ही हैं। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे प्रलय काल में भयंकर रुद्र रूप से प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्मांड को अपना ग्रास बनाते हैं। स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत नष्ट होकर जब एकारण के जल में विलीन हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु ही वटवृक्ष के पत्र पर शिशु रूप से शयन करते हैं। उनका एक एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदि से विभूषित होता है। महाप्रलय के समय जब भगवान वटपत्र पर सो रहे थे, उस समय उस स्थान पर भगवान नारायण के परम भक्त महाभाग मार्कंडेय जी भगवान की विविध लीलाओं का दर्शन करते हुए खड़े थे। ऋषियों ने पूछा, मुने, हमने पहले से सुन रखा है कि उस महाभयंकर प्रलय काल में स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट हो गए थे और एकमात्र भगवान श्री हरि ही विराजमान थे। जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर एकारण में विलीन हो चुका था, तब सबको अपना ग्रास बनाने वाले श्री हरि ने मार्कंडेय मुनि को किस लिए बचा रखा था? सूत जी, इस विषय को लेकर हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः इसका निवारण कीजिए। भगवान विष्णु की सुयश सुधा का पान करने में किसे आलस्य हो सकता है? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में मृकंडु नाम से विख्यात एक महाभाग मुनि हो गए हैं। उन महातपस्वी महर्षि ने शालग्राम नामक महान तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। ब्रह्मन, उन्होंने 10,000 युगों तक सनातन ब्रह्म का गुणगान करते हुए उपवास किया। वे बड़े क्षमाशील, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। समस्त प्राणियों को अपने समान देखते थे। उनके मन में विषय भोगों के लिए तनिक भी कामना नहीं थी। वे संपूर्ण जीवों के हितैषी तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उन्होंने उक्त तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उनकी तपस्या से शंकित हो इंद्र आदि सब देवता उस समय अनामय परमेश्वर भगवान नारायण की शरण में गए। क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाकर देवताओं ने देव देवेश्वर जगत गुरु पद्मनाभ का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, हे अविनाशी नारायण, हे अनंत, हे शरणागत पालक, हम सब देवता मृकंडु मुनि की तपस्या से भयभीत हो आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवादि देवेश्वर, आपकी जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले देवता, आपकी जय हो। ये संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। लोकपाल, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। लोक साक्षीन, आपको नमस्कार है। ध्यान गम्य, आपको नमस्कार है। ध्यान के हेतुभूत, ध्यान स्वरूप तथा ध्यान के साक्षी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पृथ्वी आदि पांच भूत आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप चैतन्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। आप शुद्ध स्वरूप हैं, निर्गुण है तथा गुण रूप है, आपको नमस्कार है। निराकार, साकार तथा अनेक रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। गौ तथा ब्राह्मणों के हितेशी, आपको नमस्कार है। जगत का हित साधन करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। उनका करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव था। सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से वे युक्त थे। भगवान ने वक्षस्थल पर श्री वश्चिन्न सुशोभित हो रहा था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। बाएं कंधे पर सुनहले रंग का यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े बड़े महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे।
उनका दर्शन करके वे संपूर्ण देवता उनके तेज के समक्ष फीके पड़ गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी पर लेटकर अपने आठों अंगों से उन्हें प्रणाम किया। तब प्रसन्न हुए भगवान विष्णु प्रणाम करने वाले इंद्रादि देवताओं को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, मैं जानता हूं मृकंड मुनि की तपस्या से तुम्हारे मन में बड़ा खेद हो रहा है, परंतु वे महर्षि साधु पुरुषों में अग्रगण्य हैं, अतः तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। श्रेष्ठ देवताओं, जो साधु पुरुष हैं वे संपत्ति में हो या विपत्ति में किसी प्रकार भी दूसरे को कष्ट नहीं देते, वे स्वप्न में भी ऐसा नहीं करते। सज्जनों, जो मानव संपूर्ण जगत का हित करने वाला, दूसरों के दोष न देखने वाला तथा ईर्ष्या रहित है, वह इहलोक और परलोक में साधु पुरुषों द्वारा निशंक कहा जाता है। सशंक व्यक्ति सदा दुखी रहता है और निशंक पुरुष सुख पाता है। अतः तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ, मृकंड मुनि तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। इसके सिवा तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं तो हूं ही, अतः सुखपूर्वक विचरो। इस प्रकार अलसी के फूल की भांति श्याम कांति वाले भगवान विष्णु देवताओं को वर देकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का मन प्रसन्न हो गया, वे जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर मृकंड को भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जो स्वयं प्रकाश निरंजन एवं निराकार परब्रह्म है, वहीं अलसी के फूल के समान श्याम सुंदर विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। दिव्य आयुधों से सुशोभित उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को देखकर मृकंड मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ध्यान से आंखें खोलकर देखा, भगवान विष्णु सम्मुख विराजमान है, उनके मुख से प्रसन्नता टपक रही है, वे शांत भाव से स्थित है, जगत का धारण पोषण उन्हीं के द्वारा होता है, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं का तेज है। भगवान का दर्शन करके मुनि का शरीर पुलकित हो उठा, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे। उन्होंने पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर उन देवाधिदेव सनातन परमात्मा को प्रणाम किया, फिर हर्षजनक आंसुओं से भगवान के दोनों चरण पखारते हुए वे सिर पर अंजलि बांधे उनकी स्तुति करने लगे। मुरुकंडु जी बोले, परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो पर से भी अति परे हैं, जिनका पार पाना असंभव है, जो दूसरों पर अनुग्रह करने वाले तथा दूसरों के संसार सागर के उस पार पहुंचा देने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, जिनका स्वरूप शब्दादि विषयों के दोष से दूर है, जिनके अनेक स्वरूप हैं तथा जो तमोगुण से सर्वथा शून्य हैं, उन स्तुति करने योग्य परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जो वेदांत वेद और पुराण पुरुष है, ब्रह्मा आदि से लेकर संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है, तथा जो भक्त जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, उन स्तवन करने योग्य आदि परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिनके समस्त दोष दूर हो गए हैं, जो एकमात्र ध्यान में स्थित रहते हैं, जिनकी कामना निवृत्त और मोह दूर हो गए हैं, ऐसे महात्मा पुरुष जिनका दर्शन करते हैं, संसार बंधन को नष्ट करने वाले उन परम पवित्र परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्मरण मात्र से समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, शरण में आए हुए भक्तजनों का पालन करते हैं, जो समस्त संसार के सेव्य हैं तथा संपूर्ण जगत जिनके भीतर निवास करता है, उन करुणा सागर परमेश्वर विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। महर्षि मृकंडु के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी चार विशाल भुजाओं से खींच कर मुनि को हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने, तुम सर्वथा निष्पाप हो, तुम्हारी तपस्या और स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो, सुव्रत, तुम्हारे मन को जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो। मृकंडु ने कहा, देव जगन्नाथ, मैं कृतार्थ हो गया, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जो पुण्यात्मा नहीं है उनके लिए आपका दर्शन सर्वथा दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवता तथा तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले योगी जन भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ यज्ञों की दीक्षा लेने वाले यजमान वीतराग साधक तथा ईर्ष्या रहित साधुओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं परम तेजो में आप श्री हरि का मैं दर्शन कर रहा हूँ,
इससे बढ़कर दूसरा क्या वर मांगू? जगत गुरु जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। अच्युत, महापात के मनुष्य भी आपके नामों का स्मरण करने मात्र से आपके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर जो आपका दर्शन कर लेता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, तुमने ठीक कहा है। विद्वन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा दर्शन कदापि व्यर्थ नहीं होगा। अतः तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे यहां अंश रूप से समस्त गुणों से युक्त रूपवान तथा दीर्घजीवी पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। मुनि श्रेष्ठ, जिसके कुल में मेरा जन्म होता है उसका समस्त कुल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कौन सा कार्य असाध्य है? ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु मृकंडु मुनि के देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदनंतर वे मुनि तपस्या से निवृत्त हो गए। मार्कंडेय जी को पिता का उपदेश, समय निरूपण। मार्कंडेय द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का मार्कंडेय जी को भगवत्व के लक्षण बताकर वरदान देना। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन, पुराणों में यह सुना जाता है कि चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय ने इस जगत के प्रलय काल में भगवान विष्णु की माया का दर्शन किया था, अतः इस विषय में कहिए। श्री सनक जी ने कहा, नारद जी, मैं उस सनातन कथा का वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुने। मार्कंडेय मुनि से संबंध रखने वाली ये कथा भगवान विष्णु की भक्ति से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणि मृकंडु ने तपस्या से निवृत्त होने के बाद विवाह करके प्रसन्नतापूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन आरंभ किया। वे मन और इंद्रियों का संयम करके सदा प्रसन्न रहते और कृतार्थ का अनुभव करते थे। उनकी पत्नी बड़ी पवित्र, कार्य कुशल तथा निरंतर पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। वे मन, वाणी और शरीर से भी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। समय आने पर उन्होंने भगवान के तेजोमय अंश से युक्त गर्भ धारण किया और 10 महीने के बाद एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महर्षि मृकंड उत्तम लक्षणों से सुशोभित पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विधि पूर्वक मंगलमय जात कर्म संस्कार संपन्न कराए। मुनि का वो पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दिन बढ़ने लगा। विप्रवर, तदनंतर 5वें वर्ष में प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का उपनयन संस्कार करके मुनि ने उसे वैदिक धर्म संहिता की शिक्षा दी और कहा, बेटा, ब्राह्मणों का दर्शन होने पर सदा विधि पूर्वक उन्हें नमस्कार करना चाहिए। तीनों समय सूर्य को जलांजलि देकर उनकी पूजा करना और वेदों के स्वाध्याय पूर्वक वेदोक्त कर्म का पालन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा सदा श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि निषिद्ध कर्म को त्याग देना चाहिए। भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए साधु पुरुषों के साथ रहना चाहिए। किसी से भी द्वेष रखना उचित नहीं है। सबके हित का साधन करना चाहिए। वस्य, यज्ञ, अध्ययन और दान, ये कर्म तुम्हें सदा करने चाहिए। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर मुनीश्वर मार्कंडेय नित्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए स्वधर्म का पालन करने लगे। महाभाग मार्कंडेय बड़े धर्मानुरागी और दयालु थे। वे मन को वश में रखने वाले और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे जितेंद्रिय, शांत, महाज्ञानी और संपूर्ण तत्वों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भारी तपस्या की। बुद्धिमान मार्कंडेय के आराधना करने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें पुराण संहिता बनाने का वर दिया। चिरंजीवी मार्कंडेय जी सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव भगवान विष्णु के महान भक्त और उनके तेज के अंश ब्रह्मन थे। यह संसार जब एकारण्व के जल में विलीन हो गया, उस समय भी उन्हें अपना प्रभाव दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने उनका संहार नहीं किया। मृकंड पुत्र मार्कंडेय बड़े बुद्धिमान और विष्णु भक्त थे। भगवान श्री हरि स्वयं जब तक सोते रहे तब तक मार्कंडेय जी वहां खड़े रहे। उस समय का माप मैं बतला रहा हूं, सुनिए। 15 निमेश की एक काष्ठा बताई गई है। नारद जी, 30 काष्ठा की एक कला समझनी चाहिए। 30 कला का एक क्षण होता है और 6 क्षणों की एक घड़ी मानी गई है।
दो घड़ी का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास होता है और एक मास में दो पक्ष होते हैं। 2 मास का एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन माना गया है। 2 अयन से एक वर्ष बनता है जो देवताओं के एक दिन है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। मनुष्य के एक मास के बराबर पितरों का एक दिन कहा जाता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के संयोग में अर्थात अमावस्या के दिन उत्तम पितृकल्प जानना चाहिए। 12,000 दिव्य वर्षों का एक दैवत युग होता है। 2,000 दैवत युग के बराबर ब्रह्मा के एक दिन रात्रि का मान है। वह मनुष्यों के लिए सृष्टि और प्रलय दोनों मिलकर ब्रह्मा का दिन रात रूप एक कल्प है। 71 दिव्य चतुर्युग का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतरों से ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। मुने, जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। विप्रवर, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय तीनों लोकों का नाश हो जाता है। मानव वर्ष गणना के अनुसार उसका जो प्रमाण है वो सुनो। मुने, 1,000 चतुर्युग 4,000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का उनका एक वर्ष समझना चाहिए। ऐसे 100 वर्ष में उनकी आयु पूरी होती है। उनके काल मान के अनुसार उनकी संपूर्ण आयु का समय 2 परार्ध का होता है। ब्रह्मा जी का 2 परार्ध भगवान विष्णु के लिए एक दिन समझना चाहिए। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। मृगकंडुनंदन मार्कंडेय जी उतने ही समय तक उस भयंकर एकारण्य के जल में भगवान विष्णु की शक्ति से बलवन होकर सूखे पत्ते की भांति खड़े रहे। उस समय वे श्री हरि के समीप परमात्म तत्व का ध्यान करते हुए स्थित थे। तदनंतर प्रलय काल का अंतः समय आने पर योग निद्रा से मुक्त हो श्रीहरि ने ब्रह्मा जी के रूप से इस चराचर जगत की रचना की। जल का उपसंहार और जगत की नूतन सृष्टि देखकर मार्कंडेय जी चकित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। महामुनि मार्कंडेय ने सिर पर अंजलि बांधे नित्यानंद स्वरूप श्री हरि का प्रिय वचनों द्वारा इस प्रकार स्तवन किया। मार्कंडेय जी बोले, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, रोग शोक आदि विकार से जो सर्वथा रहित है, जिनका कोई आधार नहीं है, स्वयं ही सबके आधार है तथा जो सर्वत्र व्यापक है, मनुष्य से सदा प्रार्थित होने वाले उन भगवान नारायण देव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो प्रमाण से परे तथा जरावस्था से रहित हैं, नित्य एवं सच्चिदानंद स्वरूप हैं तथा जहाँ कोई तर्क या संकेत काम नहीं देता, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो परम अक्षर नित्य विश्व के आदि कारण तथा जगत के उत्पत्ति स्थान हैं, उन सर्व तत्वमय शांत स्वरूप भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पुरातन पुरुष सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न और संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र आश्रय हैं, जिनका स्वरूप पर से भी अति परे हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो परम ज्योति परम धाम तथा परम पवित्र पद है, जिनकी सबके साथ एक रूपता है, उन परमात्मा जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, सच्चित और आनंद ही जिनका स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी परम पद है, उन सर्वस्वरूप श्रेष्ठ जनातन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सगुण निर्गुण शांत मायातीत और विशुद्ध माया के अधिपति हैं तथा जो रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप वाले हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन आदिदेव भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, परेश परमानंद शरणागत वत्सल दया सागर मेरी रक्षा कीजिए, मन वाणी से अतीत परमेश्वर आपको नमस्कार है। विप्रवर नारद जी, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत गुरु भगवान विष्णु इस प्रकार स्तुति करने वाले मार्कंडेय जी से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, संसार में जो भक्त पुरुष मुझ भगवान की भक्ति में चित लगाए रहने वाले हैं, उन पर संतुष्ट हो, मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। भगवद्गत रूप से अपनों को छिपाकर मैं ही सदा सब लोगों की रक्षा करता हूँ। मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान भगवत के क्या लक्षण, किस कर्म से मनुष्य भगवत होते हैं, ये मैं सुनना चाहता हूँ।
क्योंकि इस बात को जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। श्री भगवान ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, भगवक्तों के लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उनके प्रभाव अथवा महिमा का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो संपूर्ण जीवों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने की आदत नहीं है, जो ईर्ष्या रहित मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, निष्काम एवं शांत है, वे ही भगवक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते तथा जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है, वे भगवक्त माने गए हैं। जिनकी सात्विक बुद्धि उत्तम भगवत संबंधी कथा वार्ता सुनने में स्वभावतः लगी रहती है तथा जो भगवान और उनके भक्तों के भी भक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त समझे जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव माता और पिता के प्रति गंगा और विश्वनाथ का भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं, वे भी श्रेष्ठ भगवक्त हैं। जो भगवान के पूजन में रत हैं, जो इसमें सहायक होते हैं तथा जो भगवान की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत हैं, वे उत्तम भगवक्त हैं। जो व्रतियों तथा यतियों की सेवा में संलग्न तथा पराई निंदा से दूर रहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और सबके गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, वे इस लोक में भगवक्त माने गए हैं। जो श्रेष्ठ मानव सब जीवों को अपने ही समान देखते तथा शत्रु और मित्र में भी समान भाव रखते हैं, वे उत्तम भगवक्त हैं। जो धर्मशास्त्र के वक्ता, सत्यवादी तथा साधु पुरुषों के सेवक हैं, वे भगवक्तों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। जो पुराणों की व्याख्या करते, जो पुराण सुनते और पुराण वक्ता में श्रद्धा भक्ति रखते हैं, वे श्रेष्ठ भगवक्त हैं। जो मनुष्य सदा गांव तथा ब्राह्मणों की सेवा करते और तीर्थ यात्रा में लगे रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवक्त हैं। जो मनुष्य दूसरों का अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते और भगवान का जप करते रहते हैं, वे उत्तम भगवत हैं। जो बगीचे लगाते, तालाब और पोखरों की रक्षा करते तथा बावड़ी और कुएं बनवाते हैं, वे उत्तम भक्त हैं। जो तालाब और देव मंदिर बनवाते तथा गायत्री मंत्र के जप में संलग्न रहते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो हरिनाम का आदर करते, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते और पुलकित हो उठते हैं, वे श्रेष्ठ भगवक्त हैं। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते और कानों में तुलसी काष्ठ धारण करते हैं, वे उत्तम भगवक्त हैं। जो तुलसी की गंध सूंघकर तथा उसकी जड़ के समीप की मिट्टी को सूंघकर प्रसन्न होते हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर, अतिथियों का सत्कार करने वाले तथा वेदार्थ के वक्ता होते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत माने गए हैं। जो भगवान शिव से प्रेम रखने वाले, शिव के चिंतन में ही आसक्त रहने वाले तथा शिव के चरणों की पूजा में तत्पर एवं त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो भगवान विष्णु तथा परमात्मा शिव के नाम लेते तथा रुद्राक्ष की माला से विभूषित होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवक्त हैं। जो बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा महादेव जी अथवा भगवान विष्णु का उत्तम भक्ति से यजन करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवक्त हैं। जो पढ़े हुए शास्त्रों का दूसरों के हित के लिए उपदेश करते हैं और सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं, वे उत्तम भक्त माने गए हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णु में जो समबुद्धि से प्रवृत्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त माने गए हैं। जो शिव की प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र में तत्पर, पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न तथा शिव के ध्यान में अनुरक्त रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो जलदान में तत्पर, अन्नदान में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो गोदान करते, कन्यादान में तत्पर रहते और मेरी प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवक्त हैं। विप्रवर मार्कंडेय, यहाँ पर कुछ ही भगवक्तों का वर्णन किया है। मैं भी 100 करोड़ वर्षों में भी उन सबका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अतः विप्रवर, तुम भी सदा उत्तम शील से युक्त होकर रहो। समस्त प्राणियों को आश्रय दो, मन और इंद्रियों को वश में रखो। सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए धर्माचरण में लगे रहो। पुनः महाप्रलय काल तक सब धर्मों का पालन करते हुए मेरे स्वरूप के ध्यान में तत्पर रहकर तुम परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। देवताओं के स्वामी दया सिंधु भगवान विष्णु अपने भक्त मार्कंडेय को इस प्रकार वरदान देकर वयंतरधान हो गए। महाभाग मार्कंडेय जी सदा भगवान के भजन में लगे रहकर उत्तम धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर महाक्षेत्र
शालिग्राम तीर्थ में उत्तम तपस्या की और भगवान के ध्यान द्वारा कर्म बंधन का नाश करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान की आराधना करने वाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियों का हितकारी होता है। वह मन से जो जो वस्तुएं पाना चाहता है वह सब निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद, तुमने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार ये सब भगवद्गीता महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, अब और क्या सुनना चाहते हो? गंगा यमुना संगम, प्रयाग, काशी तथा गंगा एवं गायत्री की महिमा। सूत जी कहते हैं, भगवान की भक्ति का ये महात्म्य सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुने, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं, मुझ पर बड़ी भारी दया करके ये ठीक ठाक बताइए कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन है? सनक जी ने कहा, ब्रह्मन, ये परम गोपनीय प्रसंग है, सुनो। उत्तम क्षेत्रों का ये वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ, बुरे स्वप्नों का नाशक, पवित्र, धर्मानुकूल, पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा और यमुना का जो संगम है उसी को महर्षि लोक शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री है। ब्रह्मन, इन दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। मुने, नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली है। महामुने, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो जो पुण्य क्षेत्र है उन सबसे अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया है तथा सब महर्षियों ने भी वहाँ नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे सब मिलाकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो गंगा में स्नान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भली भांति सेवन करने योग्य है। फिर साधारण मनुष्यों के लिए तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं, वहीं अर्ध चंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान विष्णु का सारिप्य देने वाला होता है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है वे महात्मा पुरुष पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। ब्रह्मन, जो गंगा जी का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें संशय नहीं है। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है। उसके अंगों का स्पर्श करने मात्र से वह देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा, तुलसी, भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्मोपदेशक सद्गुरु में श्रद्धा, ये सब मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मृत्तिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन ये अभिलाषा करता है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा और कब उनका दर्शन करूंगा वो भी वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मन, दूसरी बातें बहुत कहने से क्या लाभ। साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अहो,
माया सारे जगत को मोह में डाले हुए है, ये कितनी अद्भुत बात है। क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यही फल है। जो एक बार भी गंगा इस दो अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी का यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांतियों में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीनों में भक्तिपूर्वक सेवन किया जाए, तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को ये पवित्र कर देती है। द्विज श्रेष्ठ, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुदा, नेत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई है। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त हैं। अहो महान आश्चर्य है, परम पावनी जगदम्बा गंगा स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही है, फिर सभी मनुष्य इनका सेवन क्यों नहीं करते। इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थों में उत्तम तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान धन्य हैं और वे ही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया गया है। द्विज श्रेष्ठ, जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करते हैं, वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है, तो वह बहुत तेरे पातकों से भरा होने पर भी भगवान शिव के रोग शोक रहित नित्य धाम को चला जाता है। ब्राह्मण, जो प्राण निकलते समय अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण कर लेता है, वो भी सब पापों से छूटकर शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। काशी के गुणों के विषय में यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जो काशी का नाम भी लेते हैं, उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ब्राह्मण, गंगा और यमुना का संगम प्रयाग तो काशी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए, वो स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती और अंत में इंद्रलोक पहुंचाती है। लोक का कल्याण करने वाले लिंग स्वरूप भगवान शंकर भी जिस गंगा का सदा सेवन करते हैं, उसकी महिमा का पूरा पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है। शिवलिंग साक्षात श्री हरि रूप है और श्री हरि साक्षात शिवलिंग रूप है। इन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो इनमें भेद करता है उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि अंतरहित भगवान विष्णु और शिव में भेदभाव करते हैं। जो संपूर्ण जगत के स्वामी और कारणों के भी कारण हैं, वे भगवान विष्णु ही प्रलय काल में रुद्र रूप धारण करते हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। भगवान रुद्र ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, वे ही ब्रह्मा जी के रूप से संसार की सृष्टि करते हैं तथा अंत में हर रूप से वे ही तीनों लोकों का सहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा जी में भेद बुद्धि करता है, वह अत्यंत भयंकर नरक में जाता है। जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को एक रूप से देखता है, वह परमानंद को प्राप्त होता है। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। जो अनादि सर्वज्ञ जगत के आदि सृष्टा तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे भगवान विष्णु ही शिवलिंग रूप से काशी में विद्यमान है। काशीपुरी का विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। श्रेष्ठ मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने त्रिभुवन को पवित्र करने वाली काशीपुरी की परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा समुद्र, पर्वत तथा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर अथवा चित्र आदि से निर्मित जो भगवान शिव अथवा विष्णु की निर्मल प्रतिमाएं हैं, उन सब में भगवान विष्णु विद्यमान है। जह तुलसी का बगीचा, कमलों का वन और पुराणों का पाठ हो, वह भगवान विष्णु स्थित रहते हैं। ब्राह्मण,
पुराण की कथा सुनने में जो प्रेम होता है वो गंगा स्नान के समान है तथा पुराण की कथा कहने वाले व्यास के प्रति जो भक्ति होती है वो प्रयाग के तुल्य मानी गई है। जो पुराणोक्त धर्म का उपदेश देकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में डूबे हुए जगत का उद्धार करता है वो साक्षात श्री हरि का स्वरूप बताया गया है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है तथा गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। जैसे चारों वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा तथा सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य तीर्थों और नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। शांति के समान कोई बंधु नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, मोक्ष से बड़ा कोई लाभ नहीं है और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। गंगा जी का उत्तम नाम पाप रूपी वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। गंगा संसार रूपी रोग को दूर करने वाली है, इसलिए यत्न पूर्वक उनका सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों समस्त पापों को हर लेने वाली मानी गई है। नारद जी जो इन दोनों के प्रति भक्ति भाव से रहित है उसे पति समझना चाहिए। गायत्री वेदों की माता है और जाह्नवी यानी कि गंगा संपूर्ण जगत की जननी है। वे दोनों समस्त पापों का नाश का कारण है। जिस पर गायत्री प्रसन्न होती है उस पर गंगा भी प्रसन्न होती है। वे दोनों भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न है, अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली है। गंगा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के फल रूप में प्रकट हुई है। ये दोनों निर्मल तथा परम उत्तम हैं और संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुई हैं। मनुष्य के लिए गायत्री और गंगा दोनों अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार तुलसी के प्रति भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति सात्विक भक्ति भी दुर्लभ है। अहो महाभागा, गंगा स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाली, दर्शन करने पर भगवान विष्णु का लोक देने वाली तथा जल पीने पर भगवान का सारूप्य प्रदान करने वाली है। उनमें स्नान कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाले सर्वव्यापी सनातन भगवान नारायण गंगा स्नान करने वाले मनुष्यों को मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जल के एक कण से भी अभिषिक्त होता है वह सब पापों से मुक्त हो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। गंगा के जल बिंदु का सेवन करने मात्र से राजा सगर की संतति परम पद को प्राप्त हुई। असुया दोष के कारण राजा बाहु की अवनति और पराजय तथा उनकी मृत्यु के बाद रानी का और मुनि के आश्रम में रहना। नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, राजा सगर कौन थे, वो सब मुझे बताने की कृपा करें। सनक जी ने कहा, मुनिवर, गंगा जी का उत्तम महात्म्य सुनिए। जिनके जल का स्पर्श होने मात्र से राजा सगर का कुल पवित्र हो गया और संपूर्ण लोकों में सबसे उत्तम वैकुंठ धाम को चला गया। सूर्यवंश में बाहु नाम वाले एक राजा हो गए हैं। उनके पिता का नाम वृक था। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे और सारी पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवों को अपने अपने धर्म की मर्यादा में स्थापित किया था। महाराज बाहु ने सातों द्वीपों में सात अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को गाय, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भली भांति तृप्त किया। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा और दूसरों का संताप दूर करने अपने को कृतार्थ माने। पृथ्वी पर बिना जोते बोए अन्न पैदा होता और वही फल फूल से भरी रहती थी। मुनीश्वर, देवराज इंद्र उनके राज्य की भूमि पर समयानुसार वर्षा करते थे और पापाचारियों का अंत हो जाने के कारण वहां की प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती थी। एक समय राजा बाहु के मन में असूया, गुणों में दोष दृष्टि के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ जो सब संपत्तियों का नाश करने वाला तथा अपने विनाश का भी हेतु है। वे सोचने लगे, मैं समस्त लोगों का पालन करने वाला बलवान राजा हूँ। मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है, मुझसे पूजनीय दूसरा कौन है। मैं विद्वान हूँ, श्रीमान हूँ, मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है, मुझे
मुझे वेद और वेदांगों का तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मेरे ऐश्वर्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होने पर उनके मन में दूसरों के प्रति दोष दृष्टि हो गई। मुनीश्वर, दोष दृष्टि होने से उस राजा के हृदय में काम प्रबल हो उठा। इन सब दोषों के स्थित होने पर मनुष्य का विनाश होना निश्चित है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर यहाँ ये चारों मौजूद हों वहाँ के लिए क्या कहने। विप्रवर, उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई। जो लोक का विरोध, अपने देह का नाश तथा सब संपत्तियों का अंत करने वाली होती है, सुव्रत, असूया से भरे हुए चित्त वाले पुरुषों के पास यदि धन संपत्ति मौजूद हो तो उसे भूसे की आग में वायु के संयोग के समान समझो। जिनका चित्त दूसरों के दोष देखने में लगा होता है, जो पाखंड पूर्ण आचार का पालन करते हैं तथा सदा कटुवचन बोला करते हैं, उन्हें इस लोक में और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। जिनका मन असूया दोष से दूषित है तथा जो सदा निष्ठुर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। जो पराई स्त्री को देखकर मन ही मन उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वह अपनी संपत्ति का नाश करने के लिए स्वयं ही कुठार बन गया है, इसमें संशय नहीं है। मुने, जो मनुष्य अपने कल्याण का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है, वही दूसरों का कल्याण देखकर अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण उनसे दाह करने लगता है। ब्राह्मण, जो मित्र, संतान, गृह, क्षेत्र, धनधान्य और पशु सबकी हानि देखना चाहता हो, वो सदा दूसरों से असूया करे। तदनंतर जब राजा बाहु का हृदय असूया दोष से दूषित हो जाने के कारण वे अत्यंत उदंड हो गए, तब है और ताल जंग कुल के क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु बन गए। असूया होने पर दूसरे जीवों के साथ द्वेष बहुत बढ़ जाता है, इसमें संदेह नहीं है। असूया से दूषित चित वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ लगातार एक मास तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में वे अपने वैरी है और तालजंग नाम वाले क्षत्रियों से परास्त हो गए। अतः दुखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। वहां एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, परंतु उनके मन में तो असूया भरी हुई थी, इसलिए उनका भाव देखकर उस जलाशय के पक्षी भी इधर उधर छिप गए। ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने घोंसलों में समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे, अहो बड़े कष्ट की बात है, यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया। राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जल पिया और वृक्ष के नीचे उसकी सुखद छाया में जा बैठे। नारद जी, गुणवान मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, वह सबके लिए श्लाघ्य होता है और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होने पर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगों से निंदित ही होता है। द्विजय श्रेष्ठ नारद, उस समय बाहु की बहुत निंदा हुई थी, वह संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए की भांति वन में रहते थे। अकीर्ति के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोह के समान कोई भय नहीं है, असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, राग के समान कोई बंधन नहीं है और संग अथवा आसक्ति के समान कोई विष नहीं है। इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु अत्यंत दुखित हो गए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह बहुत समय बीतने के पश्चात और मुनि के आश्रम के निकट रोग से ग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। उनकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी तो भी दुख से आतुर हो दीर्घ काल तक विलाप करके उसने पति के साथ चिता पर जल मरने का विचार किया। इसी बीच में परम बुद्धिमान और मुनि, जो महान तेज की निधि थे, वो आ पहुंचे। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा ये सब वृत्तांत जान दिया था। मुनीश्वर गण तीनों कालों की ज्ञाता होते हैं। वे असूया रहित महात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं।
परम पुण्यात्मा और मुनि अपनी तपस्या के कारण तेज की राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थान पर आए जहाँ राजा बाहु की प्यारी एवं पतिव्रता पत्नी खड़ी थी। मुनि श्रेष्ठ नारद रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्यत देख मुनिवर और धर्ममूलक वचन बोले और ने कहा, महाराज बाहु की प्यारी पत्नी तो पतिव्रता है, किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य न कर। तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। कल्याणमयी राजपुत्री, जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती, उनके लिए चितारोहण का निषेध। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और परनिंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। सुव्रत, नास्तिक, कृतघ्न, धर्मत्यागी और विश्वासघाती के उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है। अतः शोभने, तुझे ये महान पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर पतिव्रता रानी को उनके वचनों पर विश्वास हो गया और वह अत्यंत दुख से पीड़ित हो अपने मरे हुए पति के चरण कमलों को पकड़कर विलाप करने लगी। महात्मा और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे रानी से पुनः बोले, राजकुमारी तू रो मत, तुझे श्रेष्ठ राजलक्ष्मी प्राप्त होगी। महाभागे, इस समय सज्जन पुरुषों के सहयोग से इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है। अतः शोक त्याग कर तू समयोचित कार्य कर। पंडित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान, तथा दुराचारी हो या सदाचारी, सब पर मृत्यु की समान दृष्टि है। नगर में हो या वन, समुद्र में हो या पर्वत पर, जी जीव ने जो कर्म किया है उसे उसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे दुख बिना बुलाए ही प्राणियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। इस विषय में दैव ही प्रबल है। पूर्व जन्म के जो जो कर्म है उन्हीं उन्हीं को यहाँ भोगना पड़ता है। कमला नने, जीव गर्भ में हो या बाल्यावस्था में, जवानी में हो या बुढ़ापे में, उन्हें मृत्यु के अधीन अवश्य होना पड़ता है। अतः सुव्रते, इस दुख को त्याग कर तू सुखी हो जा, पति के अंत्येष्टि संस्कार कर और विवेक के द्वारा स्थिर हो जा। यह शरीर कर्म पाश में बंधा हुआ तथा हजारों दुख और व्याधियों से घिरा हुआ है। इसमें सुख का तो आभास ही मात्र है, क्लेश ही अधिक होता है। परम बुद्धिमान और मुनि ने रानी को इस प्रकार समझा बुझाकर उससे दाह संबंधी सब कार्य करवाए। फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वर को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं, वे अपने उपभोग के लिए नहीं फलते, उनका फल दूसरों के ही काम आता है। इसलिए जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न होता है, वही नर रूपधारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर सबका दुख दूर करने के लिए शास्त्रों के वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ दुख नहीं सताता, क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। इस प्रकार कहकर रानी ने उस तालाब के किनारे मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अपने पति की अन्य पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। वहां और मुनि के स्थित होने से राजा बाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मुनीश्वर और को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है वे महापातक या उपपातक से युक्त होने पर भी अवश्य परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष यदि किसी के शरीर को, शरीर के भस्म को अथवा उसके धुएं को भी देख ले तो वह परम पद को प्राप्त होता है। नारद जी पति का श्राद्ध कर्म करके रानी और मुनि के आश्रम पर गई और अपनी सौत के साथ महर्षि की सेवा करने लगी। सगर का जन्म तथा शत्रु विजय, कपिल के क्रोध से सगर पुत्रों का विनाश तथा भगीरथ द्वारा लाई हुई गंगा जी के स्पर्श से उन सब का उद्धार। श्री सनक जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार राजा बाहु की भी दोनों रानियां और मुनि के आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्तिभाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही। नारद जी,
इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा की जो जेठी रानी थी उसके मन में सौत की समृद्धि देखकर पाप पूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापिनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि की भलीभांति सेवा करती थी, इसीलिए उस पुण्य कर्म के प्रभाव से रानी पर उस विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 मास और व्यतीत होने पर रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। अहो, लोक में सत्संग का कैसा महत्व है! वह कौन सा पाप नष्ट नहीं कर सकता, और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्यात्मा मनुष्य को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जान कर और अनजान में किया हुआ तथा दूसरों से कराया हुआ जो पाप है उस सब को महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती। संसार में सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर एक कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया है। विप्रवर, इहलोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है, इसलिए संत पुरुष परम पूजनीय है। मुनीश्वर, महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है? अहो, उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा, ये कैसी अद्भुत बात है! तेजस्वी मुनि और ने गर्भ विष के सहित उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनीश्वर और ने यथा समय उसके चूड़ा कर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मंत्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा सगर अब बाल्यावस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है। तब उसे अस्त्र शस्त्रों की मंत्र सहित शिक्षा दी। नारद जी, महर्षि और से शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और मुनि के लिए समिधा, कुशा, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक बड़ा विनयी और सद्गुणों का भंडार था। एक दिन उसने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा। सगर ने कहा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? ये सब बातें मुझे बताओ। मेरे मन में ये सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। संसार में जिनके पिता नहीं हैं, वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं। जिसके माता पिता जीवित नहीं हैं, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोक में निंदित होता है, वही दशा पितृहीन बालक की भी है। माता पिता से रहित, अज्ञानी, अविवेकी, पुत्रहीन तथा ऋणग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब और पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र सुशोभित नहीं होता। जैसे सत्य रहित वचन, साधु पुरुषों से रहित सभा तथा दयाशून्य तप व्यर्थ है, वही दशा पिता के बिना बालक की होती है। जैसे वृक्ष के बिना वन, जल के बिना नदी और वेगहीन घोड़ा निरर्थक होता है, वैसी ही पिता के बिना बालक की दशा होती है। माँ, जैसे याचक मनुष्य लोक में अत्यंत लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक बहुत दुख उठाता है। पुत्र की ये बात सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर उसे सब बातें ठीक ठीक बता दी। ये सब वृत्तांत सुनकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ, उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की, मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर और मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। और के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मिल गए। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई
अपने कुलगुरु महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम करके सगर ने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पहले से ही जानते थे, राजा सगर ने उन्हीं महर्षि से इंद्र, वारुण, ब्रह्म और अग्नि अस्त्र तथा उत्तम खड्ग तथा वज्र के समान सुदृढ़ धनुष प्राप्त किया। तदनंतर शुद्ध हृदय वाले सगर ने मुनि की आज्ञा ले उनके आशीर्वाद से समादृत हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा की। शूरवीर सगर एक ही धनुष से अपने विरोधियों के पुत्र पौत्र और सेना सहित स्वर्गलोक को पहुंचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए अग्नि सदृश बाणों से संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए। शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि की शरण में गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वशिष्ठ के समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से ये बात मालूम हो गई थी कि हमारे शत्रु गुरु जी की शरण में गए हैं। बाहुपुत्र सगर को आया हुआ सुनकर महर्षि वशिष्ठ शरणागत राजाओं की रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओं के सिर मुंडवा दिए और कितने ही राजाओं की दाढ़ी मूछ मुंडवा दी। ये देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरु से इस प्रकार बोले। सगर ने कहा, गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिता के राज्य का अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकार से इनका संहार कर डालूंगा। पापात्मा दुष्ट मनुष्य तब तक दुष्टता करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसलिए शत्रु यदि दास बनकर आए, वेश्याएं सौहार्द दिखाएं और सांप साधुता प्रकट करें तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों के उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रूर मनुष्य पहले से तो जीभ से बड़ी कठोर बातें बोलते हैं, किंतु जब निर्बल पड़ जाते हैं तो उसी जीभ से बड़ी करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो वो नीति शास्त्र का ज्ञाता पुरुष दुष्टों के दंभ पूर्ण साधु भाव और दास भाव पर कभी विश्वास न करे। नम्रता दिखाते हुए दुर्जन, कपटी मित्र और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री पर विश्वास करने वाला पुरुष मृत्यु तुल्य खतरे में ही है। अतः गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा न करें। ये रूप तो गौ का सा बनाकर आए हैं, परंतु इनका कर्म व्याघ्रों के समान है। इन सब दुष्टों का वध करके मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूंगा। वशिष्ठ बोले, महाभाग, तुम्हें अनेकानेक साधुवाद है। सुव्रत, तुम ठीक कहते हो, फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। राजन, सभी जीव कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने पापों से ही मारे गए हैं उन्हें फिर किस लिए मारते हो? ये शरीर पाप से उत्पन्न हुआ और पाप से ही बढ़ रहा है। इसे पाप मूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करने को उद्यत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो, इस पाप मूलक शरीर को मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इन लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ का ये वचन सुनकर सगर का क्रोध शांत हो गया। उस समय मुनि भी सगर के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले अन्य मुनियों के साथ महात्मा सगर का राज्याभिषेक किया। सगर की दो स्त्रियां थी, केशिनी और सुमति। नारद जी ये दोनों विदर्भ राज काश्यप की कन्याएं थी। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी मंत्रवेत्ता और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया। वे मुनीश्वर तीनों काल की बातें जानते थे। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा और बोले, महाभागे, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वो वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान विषयक इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा के हेतुभूत एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ, केशिनी के पुत्र का नाम था असमंजस।
दुष्ट असमंजस उन्मत्त की चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सब के दूषित कर्मों को देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के निंदित कर्म पर भली भांति विचार किया। वे सोचने लगे, अहो, इस संसार में दुष्टों का संग की मत से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में सब और उन्होंने अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल का दर्शन हुआ। वे ध्यान में तन्मय थे। उनके पास ही वो घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे सभी अत्यंत क्रोध में भर गए और मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके वेग पूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो। देखो ना, घोड़ा चुरा कर यहाँ साधु रूप में बगुले की भांति ध्यान लगाया बैठा है और संसार में ऐसे भी खल है जो बड़े बड़े आडंबर रचते हैं। इस तरह की बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिल का उपहास करने लगे। कपिल जी अपने समस्त इंद्रिय वर्ग और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, अतः उनकी इस करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से युक्त ये वचन कहा, जो ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सदा सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती। अहो, धन के मत से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वो अपने हित को देखता है तभी वो वास्तव में देखता है। ऐसा कहकर कपिल जी ने कुपित हो अपने नेत्रों से आग प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर डाला। उनकी नेत्राग्नि को देखकर पाताल निवासी जीव शोक में डूब गए और असमय में प्रलय हुआ। जानकर चित्कार करने लगे। उस अग्नि से संतप्त हो संपूर्ण सर्प तथा राक्षस समुद्र में शीघ्रतापूर्वक समा गए। अवश्य ही साधु महात्माओं का कोप दुस्सह होता है। तदनंतर देवदूत ने राजा के यज्ञ में आकर यजमान सगर को वो सब समाचार बताए। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, दैव ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता, पिता, भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। जो पाप में प्रवृत्त होकर सब लोगों के साथ विरोध करता है उसे महान शत्रु समझना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। मुनीश्वर नारद जी, राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के लिए संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों का यज्ञ में अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। सारग्राही राजा सगर ने बुद्धिमान और विद्वानों में श्रेष्ठ अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान ने उस गुफा के द्वार पर जाकर तेजो राशि मुनिवर कपिल को देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर वह विनय पूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शांत चित सनातन देवदेव कपिल से इस प्रकार बोला। अंशुमान ने कहा, ब्रह्मन, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंद्रमा चांडाल के घर से अपनी चांदनी खींच नहीं लेते हैं। सज्जन पुरुष दूसरों से सताए जाने पर भी सबके लिए सुखकारक ही होता है। देवताओं द्वारा अपनी अमृतमयी कला के भक्षण किए जाने पर भी
चंद्रमा उन्हें परम संतोषी देता है। चंदन को काटा जाए या छेदा जाए, वो अपनी सुगंध से सबको सुवासित करता रहता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनीश्वर गण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों के शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। ब्राह्मण, आपको नमस्कार। मुने, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार। आप स्वभावतः ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं और सदा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, आपको नमस्कार। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय वे बोले, निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा, भगवन, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दे। तब कपिल मुनि अंशुमान पर अत्यंत प्रसन्न हो आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारे पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्ग लोक पहुंचाएगा। बस तुम्हारे पौत्र भगीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें अश्व सहित सब समाचार निवेदन किया। सगर ने उस पशु के द्वारा ब्राह्मणों के साथ वो यज्ञ पूर्ण किया और तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके वे वैकुंठ धाम को चले गए। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जो दिव्य लोक से गंगा जी को इस भूतल पर ले आए। मुने, भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा दे दी। फिर भगीरथ गंगा जी को धारण कौन करेगा, इस विषय में विचार करने लगे। तदनंतर भगवान शिव की आराधना करके उनकी सहायता से वे दैव नदी गंगा को पृथ्वी पर ले आए और उनके जल से स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरों को उन्होंने दिव्य स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। बलि के द्वारा देवताओं की पराजय तथा अदिति की तपस्या। नारद जी ने कहा, भाई जी, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाव से उत्पन्न हुई जो गंगा बताई जाती है, उनकी उत्पत्ति की कथा मुझसे कहिए। श्री सनक जी बोले, निष्पाप नारद जी, मैं गंगा की उत्पत्ति बताता हूँ, सुनिए। वो कथा कहने और सुनने वाले के लिए भी पुण्यदायिनी है तथा सब पापों का नाश करने वाली है। कश्यप नाम से प्रसिद्ध एक मुनि हो गए हैं, वे ही इंद्र आदि देवताओं के जनक हैं। दक्ष पुत्री दीति और अदिति ये दोनों उनकी पत्नियां हैं। अदिति देवताओं की माता है और दीति दैत्यों की जननी। ब्राह्मण, उन दोनों के दो पुत्र हैं, वे सदा एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं। दीति का पुत्र आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान था, उसके पुत्र प्रहलाद हुए, वे दैत्यों में बड़े भारी संत थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो ब्राह्मण भक्त था। विरोचन के पुत्र बलि हुए, जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। मुने, बलि ही दैत्यों के सेनापति हुए, वे बहुत बड़ी सेना के साथ इस पृथ्वी का राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वी को जीत कर स्वर्ग को भी जीत लेने का विचार कर वे युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेना के साथ देवलोक को प्रस्थान किया। देव शत्रु बलि ने स्वर्गलोक में पहुंचकर सिंह के समान पराक्रमी दैत्यों द्वारा इंद्र की राजधानी को घेर लिया। तब इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। तदनंतर देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध छिड़ गया। दैत्यों ने देवताओं की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार देवता भी दैत्य सेना पर बाण वर्षा करने लगे। तदनंतर दैत्यगण भी देवताओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा घातक प्रहार करने लगे। पत्थर, भिंडीपाल, खड्ग, परशु, तोमर, परीक, क्षुरिका, कुंत, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, लांगल, पट्टिश, शक्ति, उपल, शतघ्नि, पाश, थप्पड़, मुक्के, शूल, नालिक, नाराज, दूर से फेंकने योग्य अन्याय अस्त्र तथा
मुद्र से वे देवताओं को मारने लगी। रथ अश्व गज और पैदल सेनाओं से खचा खच भरा हुआ वो युद्ध निरंतर बढ़ने लगा। देवताओं ने भी दैत्यों पर अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए। इस प्रकार 1000 वर्षों तक वो युद्ध चलता रहा। अंत में दैत्यों का बल बढ़ जाने के कारण देवता परास्त हो गए और सब के सब भयभीत हो स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। वे मनुष्यों के रूप में छिपकर पृथ्वी पर विचरने लगे। विरोचन कुमार बलि भगवान नारायण की शरण ले अव्यय ऐश्वर्य बढ़ी हुई लक्ष्मी और महान बल से संपन्न हो त्रिभुवन का राज्य भोगने लगा। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तत्पर होकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। बलि स्वर्ग में रहकर इंद्र और दिक्पाल दोनों पदों का उपभोग करते थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने ये सोचकर कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है हिमालय को प्रस्थान किया। वह इंद्र का ऐश्वर्य तथा दैत्यों की पराजय चाहती हुई वे भगवान विष्णु के धाम में तत्पर हो अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। कुछ काल तक वे निरंतर बैठी रही। उसके बाद दीर्घ काल तक दोनों पैरों से खड़ी रही। तदनंतर बहुत समय तक एक पैर से और फिर उस एक पैर की अंगुलियों के ही बल पर खड़ी रही। कुछ काल तक तो वे फलाहार करती रही, फिर सूखे पत्ते खाकर रहने लगी। उसके बाद बहुत दिनों तक जल पीकर रही, फिर वायु के आहार पर रहने लगी और अंत में उन्होंने सर्वथा आहार त्याग दिया। नारद जी, अदिति अपने अंतकरण द्वारा सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करती हुई 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या में लगी रही। तदनंतर दैत्यों ने अदिति को ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि प्रकट की, जिसने उस वन को क्षण भर में जला दिया। उसका विस्तार 100 योजन था और वह नाना प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। जो दैत्य अदिति का अपमान करने के लिए गए थे वे सब उसी अग्नि से जलकर भस्म हो गए। केवल देव माता अदिति ही जीवित बची थी, क्योंकि दैत्यों का विनाश और स्वजनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की थी। अदिति को भगवत दर्शन और वर प्राप्ति, वामन जी का अवतार, बलि वामन संवाद, भगवान के 3 पैर से समस्त ब्रह्मांड को लेकर बलि को रसातल भेजना। नारद जी ने पूछा, भाई जी आपने ये बड़ी अद्भुत बात बताई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस अग्नि ने अदिति को छोड़कर उन दैत्यों को ही क्षण भर में कैसे जला दिया। आप अदिति के महान सत्व का वर्णन कीजिए, जो विशेष आश्चर्य का कारण है, क्योंकि मुनीश्वर साधु पुरुष सदा दूसरों के उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। सनक जी ने कहा, नारद जी, जिनका मन भगवान के भजन में लगा हुआ है ऐसे संतों की महिमा सुनिए। भगवान के चिंतन में लगे हुए साधु पुरुषों को बाधा देने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ भगवान का भक्त रहता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव देवता सिद्ध मुनीश्वर और साधु संत नित्य निवास करते हैं। महाभाग, शांत चित वाले हरिनाम परायण भक्तों के भी हृदय में भगवान विष्णु सदा विराजते हैं। फिर जो निरंतर उन्हीं के ध्यान में लगे हुए हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ अथवा भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहाँ रहता है वहीं लक्ष्मी तथा संपूर्ण देवता निवास करते हैं। जहाँ भगवान विष्णु की उपासना में संलग्न भक्त पुरुष वास करता है वहाँ अग्नि बाधा नहीं पहुँचा सकती। राजा चोर अथवा रोग व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकते हैं। प्रेत पिशाच कुष्मांड ग्रह बाल ग्रह डाकिनी तथा राक्षस ये भगवान विष्णु की आराधना करने वाले पुरुष को पीड़ा नहीं दे सकते। जितेंद्रिय सबका हितकारी तथा धर्म कर्म का पालन करने वाला पुरुष जहाँ रहता है वही संपूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं। जहाँ एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते हैं वहीं सब श्रेय हैं, वहीं तीर्थ है, वहीं तपोवन है। जिनके नाम कीर्तन से स्तोत्र पाठ से अथवा पूजन से भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं फिर उनके ध्यान से उपद्रवों का नाश हो इसके लिए कहना ही क्या है। ब्रह्मन, इस प्रकार दैत्यों द्वारा प्रकट की हुई उस अग्नि से दैत्यों सहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देव माता अदिति नहीं जली, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चक्र से सुरक्षित थी। तदनंतर
कमल तल के समान विकसित नेत्र और प्रसन्न मुख वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अदिति के समीप प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और चमकीले दांतों की प्रभा से संपूर्ण दिशाएं उद्धसित हो रही थी। उन्होंने अपने पवित्र हाथ से कश्यप जी की प्यारी पत्नी अदिति का स्पर्श करते हुए कहा। श्री भगवान बोले, देव माता, तुमने तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने बहुत समय तक कष्ट उठाया है, अब तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो वो वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। भद्रे, भय न करो, महाभागे, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देव माता अदिति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और संपूर्ण जगत को सुख देने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। अदिति बोली, देव देवेश्वर, सर्वव्यापी जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप ही सत्व आदि गुणों के भेद से जगत के पालन आदि व्यवहार चलाने के कारण हैं। आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप परमात्मा को नमस्कार है। सबसे एक रूपता अभिन्नता ही आपका स्वरूप है। आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी और परम ज्ञान रूप हैं। श्रेष्ठ भक्त जनों के प्रति वात्सल्य भाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता रहता है। आप मंगलमय परमात्मा को नमस्कार है। मुनीश्वरगण जिनके अवतार स्वरूपों की सदा पूजा करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रणाम करती हूँ। जिन्हें श्रुतियां नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान पुरुष भी नहीं जानते, जो इस जगत के कारण हैं तथा माया को साथ रखते हुए भी माया से सर्वथा पृथक हैं, उन भगवान को नमस्कार करती हूँ। जिनकी अद्भुत कृपा दृष्टि माया को दूर भगा देने वाली है, जो जगत के कारण तथा जगत स्वरूप हैं, उन विश्व वंदित भगवान की मैं वंदना करती हूँ। जिनके चरणार बिंदों की धूल के सेवन से सुशोभित मस्तक वाले भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उन भगवान कमल कांत को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते तथा जो भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं, उन भक्त संगी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। वे करुणा सागर भगवान जगत के संग का त्याग करके शांत भाव से रहने वाले भक्तजनों को अपना संग प्रदान करते हैं। उन संग रहित श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ कर्मों में स्थित रहने वाले, यज्ञ कर्म के बोधक तथा यज्ञों के फलदाता हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके नामोच्चरण के पश्चात परम धाम को प्राप्त हो गया, उन लोक साक्षी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, जो विष्णु रूपी शिव और शिव रूपी विष्णु होकर इस जगत के संचालक हैं, उन जगत गुरु भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनकी माया के पाश में बंधे होने के कारण, जिनके परमात्मा भाव को नहीं समझ पाते, उन भगवान सर्वेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सबके हृदय कमल में स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषों के दूरस्थ से प्रतीत होते हैं तथा जिनकी सत्ता प्रमाणों से परे है, उन ज्ञान साक्षी परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ है, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उरुओं से वैश्य उत्पन्न हुआ है और दोनों चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, जिसके मन से चंद्रमा प्रकट हुआ है, नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, मुख से अग्नि और इंद्र की तथा कानों से वायु की उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीत विषयक सातों स्वरों के भी आत्मा हैं, व्याकरण आदि छह अंग भी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप ही इंद्र, वायु और चंद्रमा हैं, आप ही ईशान, शिव और आप ही यम हैं, अग्नि और निवृत्ति भी आप ही हैं, आप ही वरुण एवं सूर्य हैं, देवता, स्थावर वृक्ष आदि पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप हैं, आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे परात्पर तत्व दूसरा कोई नहीं है। देव, संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है, इसलिए सदा आपको नमस्कार है। नाथ नाथ,
सर्वज्ञ, आप ही संपूर्ण भूतों के आदि कारण हैं। वेद आपका ही स्वरूप है। जनार्दन, दैत्यों द्वारा सताए हुए मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देव माता अदिति ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। उस समय आनंद के आंसुओं से उनका वक्ष स्थल भीग रहा था। वे बोली, देवेश, आप सबके आदि कारण हैं। मैं आपकी कृपा की पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासी पुत्रों को अकंटक राज्य लक्ष्मी दीजिए। अंतर्यामी, विश्वरूप, सर्वज्ञ परमेश्वर लक्ष्मीपते, आपसे क्या छिपा हुआ है? प्रभु, आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं तथा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे मन में जो अभिलाषा है वह आपको बताऊंगी। देवेश्वर, मैं दैत्यों से पीड़ित हो रही हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा न कर सकने के कारण व्यर्थ हो गए हैं। मैं दैत्यों का भी वध करना नहीं चाहती, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। सुरेश्वर, उन दैत्यों को मारे बिना ही मेरे पुत्रों को संपत्ति दे दीजिए। नारद जी, अदिति के ऐसा कहने पर देवद्वेश्वर भगवान विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देव माता को आनंदित करते हुए आदरपूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि सौत के पुत्रों पर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे उन्हें श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशा में नहीं पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरे के पुत्र पर समान भाव रखता है उसे कभी पुत्र का शौक नहीं होता। ये सनातन धर्म है। अदिति बोली, देव, आप सबके आदि कारण और परम पुरुष हैं। मैं आपको अपने गर्भ में धारण करने में असमर्थ हूँ। आपके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड हैं। आप सबके ईश्वर तथा कारण हैं। प्रभो, संपूर्ण देवता और श्रुतियां भी जिनके प्रभाव को नहीं जानती, उन्हीं देवादिदेव भगवान को मैं गर्भ में कैसे धारण करूंगी? आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा तथा परात्पर परमेश्वर हैं। देव, आप पुरुषोत्तम को मैं कैसे गर्भ में धारण करूंगी? महापाप की मनुष्य भी जिनके नाम स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है, वे परमात्मा ग्राम्य जनों के बीच जन्म कैसे धारण कर सकते हैं? प्रभु, जैसे आपके मत्स्य और शुकर अवतार हो गए हैं, वैसा ही ये भी होगा। विश्वेश, आपकी लीला को कौन जानता है? देव, मैं आपके चरणारविंदों में प्रणत होकर आपके ही नाम स्मरण में लगी हुई सदा आपका ही चिंतन करती हूँ। आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। श्री सनक जी ने कहा, अदिति का वचन सुनकर देवताओं के भी देवता भगवान जनार्दन ने देव माता को अभयदान दिया और इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, महाभागे, तुमने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है। शुभे, तथापि मैं तुम्हें गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ। सुनो, जो राग द्वेष से शून्य, दूसरों में कभी दोष नहीं देखने वाले और दम से दूर रहने वाले मेरे शरणागत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, भगवान शिव के भजन में लगे रहते और मेरी कथा सुनने में अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। देवी, जिन्होंने पति भक्ति का आश्रय लिया है, पति ही जिनका प्राण है और जो आपस में कभी डाह नहीं रखती, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां मुझे सदा अपने भीतर धारण कर सकती हैं। जो माता पिता का सेवक, गुरु भक्त, अतिथियों का प्रेमी और ब्राह्मणों का हितकारी है, वो सदा मुझे धारण कर सकता है। जो सदा पुण्य तीर्थों का सेवन करते, सत्संग में लगे रहते और स्वभाव से ही संपूर्ण जगत पर कृपा रखते हैं, वे मुझे सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। जो परोपकार में तत्पर, पराये धन के लोभ से विमुख और पराई स्त्रियों के प्रति नपुंसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं। जो तुलसी की उपासना में लगे हैं, सदा भगवान नाम के जप में तत्पर हैं और गौओं की रक्षा में संलग्न रहते हैं, वे सदा मुझे हृदय में धारण करते हैं। जो दान नहीं लेते,
पराय अन्न का सेवन नहीं करते और स्वयं दूसरों को अन्न और जल का दान देते हैं, वे भी सदा मुझे धारण करते हैं। देवी, तुम तो संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर पति प्राणा साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। देव माता अदिति से ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु ने अपने कंठ की माला उतार कर उन्हें दे दी और अभयदान देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर दक्ष कुमारी देव माता अदिति प्रसन्न चित से भगवान कमलाकांत को पुनः प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। फिर समय आने पर विश्व वंदित महाभागा अदिति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सर्वलोक नमस्कृत पुत्र को जन्म दिया। वो बालक चंद्रमंडल के मध्य विराजमान और परम शांत था। उसने एक हाथ में शंख और दूसरे में चक्र ले रखा था, तीसरे हाथ में अमृत का कलश और चौथे में दधि मिश्रित अन्न था। यह भगवान का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। भगवान वामन की कांति सहस्त्र सूर्यों के समान उज्जवल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी श्रीहरि सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण लोकों के एकमात्र नायक, स्तोत्रों द्वारा स्तवन करने योग्य तथा ऋषि मुनियों के ध्येय भगवान विष्णु को प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्ष से विवल हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। कश्यप जी बोले, संपूर्ण विश्व की सृष्टि के कारण भूत अब परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त जगत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का नाश करने वाले देव आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तजनों के प्रियतम आपको नमस्कार है, नमस्कार है। साधु पुरुष आपकी अपनी चेष्टाओं से प्रसन्न करते हैं आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। उन जगदीश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। कारणवश वामन स्वरूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है, नमस्कार है। धनुष चक्र खड्ग और गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम को नमस्कार है। क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। साधु पुरुषों के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को नमस्कार है। जिनकी अनंत प्रभा की सूर्य आदि से तुलना नहीं की जा सकती, जो पुण्य कथा में आते और स्थित रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप यज्ञों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ के संपूर्ण अंगों में विराजित होते हैं, आपको नमस्कार है। साधु पुरुषों के प्रियतम आपको नमस्कार है। जगत के कारणों के भी कारण आपको नमस्कार है। प्राकृत शब्द रूप आदि से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों के हृदय में वास करने वाले आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करके अज्ञान अंधार का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। कच्छप रूप से मंदराचल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यज्ञवराह नामधारी आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है। रावण का संहार करने वाले श्रीराम रूपधारी आपको नमस्कार है। नंद सुत बलराम जिनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन श्री कृष्णावतारधारी आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देने वाले तथा स्मरण मात्र करने पर सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञेश यज्ञ स्थापक, यज्ञ विघ्न विनाशक, यज्ञ रूप और यजमान रूप परमेश्वर, आप ही यज्ञ के संपूर्ण अंग हैं, मैं आपका यजन करता हूँ। कश्यप जी के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले देवेश्वर वामन हंसकर कश्यप जी का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, श्री भगवान ने कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देव पूजित महर्षि, थोड़े ही दिनों में तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करूंगा। मैं पहले भी दो जन्मों में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ तथा अब इस जन्म में भी तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति कराऊंगा। इधर
दैत्यराज बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ दीर्घ काल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मवादी महर्षियों ने हविष्य ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया, जिसका ऐश्वर्य बहुत बढ़ा चढ़ा था। उस दैत्यराज बलि के महायज्ञ में माता पिता की आज्ञा ले ब्रह्मचारी वामन जी भी गए। वे अपनी मंद मुस्कान से सब लोगों का मन मोहे लेते थे। भक्त वत्सल वामन के रूप में भगवान विष्णु मानो बलि के हविष्य का प्रत्यक्ष भोग लगाने के लिए ही आए थे। दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पंडित, जो भक्तिभाव से युक्त है उसके अंतकरण में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वामन जी को आते देख ज्ञान दृष्टि वाले महर्षिगण उन्हें साक्षात भगवान नारायण जानकर सभासदों सहित उनकी अगवानी में गए। ये जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य एकांत में बलि को कुछ सलाह देने लगे। शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज सौम्य, तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप से अदिति के पुत्र हुए हैं। वे तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। असुरेश्वर, तुम उन्हें कुछ न देना, तुम तो स्वयं विद्वान हो। इस समय मेरा जो मत है उसे सुनो। अपनी बुद्धि ही सुख देने वाली होती है। गुरु की बुद्धि विशेष रूप से सुखद होती है। दूसरे की बुद्धि विनाश का कारण होती है और स्त्री की बुद्धि तो प्रलय करने वाली होती है। बलि ने कहा, गुरुदेव, आपको इस प्रकार धर्म मार्ग का विरोधी वचन नहीं कहना चाहिए। यदि साक्षात भगवान विष्णु मुझसे दान ग्रहण करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। यदि साक्षात विष्णु ही आकर हमारे भविष्य का भोग लगाते हैं तो संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। पुरुषोत्तम, भगवान विष्णु जीव को उत्तम भक्तिभाव से स्मरण कर लेने से ही पवित्र कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तु से उनकी पूजा की जाए वे परम गति दे देते हैं। दूषित चित्त वाले पुरुषों के स्मरण करने पर भी भगवान विष्णु उनके पाप को वैसे ही हर लेते हैं। जैसे अग्नि को बिना इच्छा किए भी छू दिया जाए तो भी वो जला ही देती है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर वास करता है वो पुनरावृत्ति रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो राग आदि दोषों से दूर रहकर सदा भगवान गोविंद का ध्यान करता है वो वैकुंठ धाम में जाता है। ये मनीषी पुरुषों का कथन है। महाभाग गुरुदेव, अग्नि अथवा ब्राह्मण के मुख में भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव रखते हुए जो हविष्य की आहुति दी जाती है उससे वे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। यदि स्वयं भगवान यहाँ आ रहे हैं तब तो मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज बलि जब ऐसी बातें कह रहे थे उसी समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। वह स्थान होमयुक्त प्रज्वलित अग्नि के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा सुडोल अंगों के कारण परम सुंदर वामन जी को देखकर राजा बलि सहर्ष खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। बैठने के लिए आसन देकर उन्होंने वामन रूपधारी भगवान के चरण पखारे और उस चरणोदक को कुटुंब सहित मस्तक पर धारण करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जगदाधार भगवान विष्णु को विधि पूर्वक अर्घ देते देते बलि के शरीर में रोमांच आया, नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे और वे इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ और मेरा ये जीवन भी सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संदेह नहीं है। भगवान, आज मेरे यहाँ अत्यंत दुर्लभ अमोघ अमृत की वर्षा हो गई। आपके शुभागमन मात्र से अनायास महान उत्सव छा गया, इसमें संदेह नहीं कि ये सब कृषि कृतार्थ हो गए। प्रभो, इन्होंने पहले जो तपस्या की थी वो आज सफल हो गई। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, इसमें संशय नहीं। अतः भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। आपकी आज्ञा से आपके आदेश का पालन करूं ऐसा विचार मेरे मन में हो रहा है। अतः प्रभु, आप पूर्ण उत्साह के साथ मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दें। यज्ञ में दीक्षित यजमान बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन हंसकर बोले, राजन,
मुझे तपस्या के निमित्त रहने के लिए 3 पग भूमि दे दो। भूमि दान का महात्म्य महान है, वैसा दान न हुआ है न होगा। भूमि दान करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्नि की स्थापना की हो उस क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। भूमिदाता सब कुछ देने वाला कहा गया है। भूमि दान करने वाला मोक्ष का भागी होता है। भूमि दान को अतिदान समझना चाहिए, वह सब पापों का नाश करने वाला है। कोई महापातक से युक्त अथवा समस्त पातकों से दूषित हो तो भी 10 हाथ भूमि का दान करके सब पापों से छूट जाता है। जो सत्पात्र को भूमि दान करता है वह संपूर्ण दानों का फल पाता है। 3 लोकों में भूमि दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दैत्यराज जो जीविकार रहित ब्राह्मण को भूमि दान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन में 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो एक गेहूं धान और सुपारी के वृक्ष आदि से युक्त भूमि का दान करता है वह निश्चय ही श्री विष्णु के समान है। जीविकाहीन दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूमि दान बहुत बड़ा दान है, उसे अतिदान कहा गया है। वह संपूर्ण पापों का नाशक तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है। इसलिए दैत्यराज तुम सब धर्मों के अनुष्ठान में लगे रहकर मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, वहां रहकर मैं तपस्या करूंगा। भगवान के ऐसा कहने पर विरोचन कुमार बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी वामन जी को भूमि दान करने के लिए जल से भरा कलश हाथ में लिया। सर्वव्यापी भगवान विष्णु ये जान गए कि शुक्राचार्य इस कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे हैं, अतः उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कुश के अग्रभाग को उस कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिसने शुक्राचार्य के एक नेत्र को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्र के समान उस कुश के अग्रभाग को आंख से अलग किया। इतने में राजा बलि ने भगवान महाविष्णु को 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। तदनंतर विश्वात्मा भगवान उस समय बढ़ने लगे। उनका मस्तक ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप श्री हरि ने अपने 2 पैर से सारी भूमि नाप ली। उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्मांड कटाह शिखर को छू गया और अंगूठे के अग्रभाग के आघात से फूटकर वह ब्रह्मांड 2 भागों में बट गया। उस छिद्र के द्वारा ब्रह्मांड से बाहर का जल अनेक धाराओं में बहकर आने लगा। भगवान विष्णु के चरणों को धोकर निकला हुआ वह निर्मल गंगा जल संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाला था। ब्रह्मांड के बाहर जिसका उद्गम स्थान है वह श्रेष्ठ एवं पावन गंगा जल धारा रूप में प्रवाहित हुआ और ब्रह्मा आदि देवताओं को उसने पवित्र किया। फिर सप्तर्षियों से सेवित हो वो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा। वामन जी का ये अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता कृषि अथवा मनुष्य हर्ष से विह्वल हो उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, अब परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप परात्पर होते हुए भी अपरा प्रकृति से उत्पन्न जगत का रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप हैं, आपकी मन बुद्धि अपने ब्रह्म रूप में ही रमण करती है। आप कहीं भी कुंठित न होने वाले अद्भुत कर्म से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। परेश परमानंद परमात्मन परात्पर विश्वमूर्ते प्रमाणातीत आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आपके सब और नेत्र हैं, सब और भुजाएं हैं, सब और मस्तक हैं और सब और गति है, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान महाविष्णु ने स्वर्गवासी देवताओं को अभयदान दिया और वे देवादि देव सनातन श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1 पग भूमि की पूर्ति के लिए विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि को बांध लिया, फिर उसे अपनी शरण में आया जान रसातल का राज्य दे दिया और स्वयं भक्त के वशीभूत होकर बलि के द्वारपाल होकर रहने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने रसातल तो सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहां भगवान महाविष्णु ने विरोचन पुत्र बलि के लिए भोजन आदि की क्या व्यवस्था की? श्री सनक जी ने कहा, नारद जी अग्नि में बिना मंत्र के जो आहुति डाली जाती है और अपात्र को जो दान दिया जाता है वह सब कर्ता के लिए भयंकर होता है और वही राजा बलि के भोग का साधन बनता है। अपवित्र मनुष्य के द्वारा जो भविष्य का होम
दान और सत्कर्म किया जाता है वह सब रसातल में बलि के उपभोग के योग्य होता है और कर्ता को अधपात रूप फल देने वाला है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि दैत्य को रसातल लोक और अभयदान देकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया। उस समय देवता उनका पूजन महर्षिगण स्तवन और गंधर्व लोग गुणगान कर रहे थे। वे विराट महाविष्णु पुनः वामन रूप हो गए। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान का ये महान कर्म देखकर परस्पर मुस्कुराते हुए उन पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। संपूर्ण भूत स्वरूप भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके सब लोगों को मोहित करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा देवी का ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस गंगा महात्म्य को देवालय अथवा नदी के तट पर पढ़ता या सुनता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है।